बहुत महत्व है। जो भी सरकार चुन कर आए उसको देश के हर हिस्से से समर्थन प्राप्त हो और सरकार स्थिर और पूर्ण बहुमत की हो, क्योंकि सरकारें अंततो गत्वा संकल्प पत्र या घोषणा पत्र के आधार पर चुनकर आती है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव में जा रही है या पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप जो चुनाव में जा रहा है, उसका घोषणा पत्र पर ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जन समर्थन किसी भी सरकार को काम करने का विश्वास देता है। और स्थिरता न केवल देश, दुनिया भर में हमारे देश की 130 करोड़ की जनता की जो इच्छा है इसकी व्याख्या करती है। तो मैं मानता हूं हमारे 400 पार के नारे को विपक्ष ने हमेशा की तरह एक शॉर्ट साइट, उनकी जो बहुत कम दूर की दृष्टि होती है, इससे देखकर इसको पॉलिटिसाइज करने का प्रयास किया है। मगर मैं निश्चित रूप से मानता हूं स्थिर सरकारें देश को ताकत देती है, स्थिर सरकारें निर्णायक कदम उठाने में सहायक होती है, स्थिर सरकारें गरीबों को कल्याण करने में सहायक होती है, स्थिर सरकारें आतंकवाद नक्सलवाद जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के खतरों को कुचल देने के लिए मदद रूप होती है, और स्थिर सरकारें देश के एजेंडे को और देश की स्थिति को दुनिया में बदलने में भी बहुत सहायक होती है। वो जो 400 पार का जो नारा था उसको आप मिस इंटरप्रेट कीजिए, कुछ भी कहिए, पर ऑपोजिशन ने तो कहा था कि आप रिजर्वेशन हटाने के लिए कर रहे हैं, आप मुसलमानों के हक को छीनने की बात कर रहे हैं, उनका जो रिजर्वेशन है उसे हटाने के लिए कर रहे हैं। ये बात ग्राउंड लेवल तक जा चुकी थी, तो चौथे राउंड तक आप क्या कहेंगे कि क्या ये अगर आप कह रहे हैं कि निर्णायक जो कदम है उसके लिए था, नॉट फॉर टेकिंग आउट रिजर्वेशन? देखिए, इसमें मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि जब विपक्ष इतनी ओछी राजनीति करता है तो हम तो रिसीविंग एंड पर हैं। मगर हमने देश की जनता के सामने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है कि अगर हमारा उद्देश्य आरक्षण हटाना होता तो 10 साल से हमारे पास बहुमत था, इस देश की जनता ने ही दिया था, हमने तो वो नहीं किया। और जहां तक मुसलमानों के आरक्षण का सवाल है, मैं आज भी फर्म हूं कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये संविधान की स्कीम नहीं है, संविधान इससे सहमत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने। आपने कहा कि 400 का जो टारगेट था वो आतंक और नक्सलवाद जैसे कुचलने के लिए, ऐसे रीजंस के लिए था, लेकिन हिमंता जी ने कहा कि 400 पार का नारा जो है मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, काशी में ज्ञानवापी हटाकर विश्वनाथ मंदिर और पीओके को पूर्ण तरह भारत के साथ जोड़ने के लिए, इसलिए 400 का नारा। देखिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जहां तक सवाल है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की संसद का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है, इसको कोई झूठला नहीं सकता। ये आज जो फारूक अब्दुल्ला जी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो उनको सम्मान करिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का डिमांड न करिए, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाला, जनसंख्या वाला एटॉमिक पावर भारत, ये महान देश क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? किस प्रकार की सोच है? और राहुल अबाबा ने देश की जनता के सामने एक्सप्लेन करना चाहिए, इनके अलायंस के नेता और इनकी पार्टी के नेता क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान का सम्मान करो मतलब क्या? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जाने दे? वो कभी नहीं हो सकता। मैं पूर्णतया इस बात पर भारतीय जनता पार्टी का मत रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है और हमें ही मिलना चाहिए, और वो नहीं आता है तब तक हम सबका दायित्व अधूरा है। पर कोई प्रोएक्टिव कदम आज तक लिया नहीं है सरकार ने? आपके इंटरव्यू में बताकर प्रोएक्टिव कदम नहीं उठाए जाते, उचित समय पर देश की और दुनिया की स्थिति देखकर। मगर
ये हमने हमारा एक लक्ष्य तय किया। पर वहां पर पहली बार वहां पर आजादी के नारे लग रहे हैं, वहां पर भारी तादाद में पाकिस्तान फौज भेज रही है वहां पे जो अपराइजिंग है उसे कुचलने के लिए, और भारत की तरफ से कोई मतलब चाहे सरकार हो या फिर कश्मीरी लीडर्स हैं वो कुछ नहीं कहते। जब भारत में ऐसे पथराव होते थे, प्रोटेस्ट होते थे, वहां के राजनेता हमेशा कहते थे हम वी आर विद यू, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है आपको सपोर्ट करना। देखिए वहां के डिस्प्यूट्स के आधार पर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का हमारा अधिकार हम जताना नहीं चाहते। वहां मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, वो उनका विषय है, परंतु पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है क्योंकि पूरे कश्मीर का मर्जर भारतीय संघ के साथ हुआ है। वो अधिकार को कैसे लेना वो भारत का सवाल है, वहां के मिसमैनेजमेंट का सवाल नहीं। और हिमंता जी ने जो कहा था कि ज्ञानवापी की जगह विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि, ये भी 400 का नंबर जो है टारगेट उसके लिए। देखिए वो दोनों केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट नहीं न्यायालय के सामने किसी न किसी स्तर पर पड़े हैं, लंबित है, न्यायालय ने इसका संज्ञान भी लिया है। इस पर मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि जब न्यायालय एक डिस्प्यूट को सीज कर सुनवाई कर रहा है, मैं नहीं मानता किसी ने इसमें दखल करनी चाहिए, न्यायालय को अपना काम करने देना। जैसे राम मंदिर के लिए किया था जी, राम मंदिर में हमने न्यायालय के फैसला आने के बाद ही कंस्ट्रक्शन का फैसला किया। वो आपका पॉलिटिकल डिसीजन, उसमें आपको पॉलिटिकल फायदा मिला कि नहीं मिला अब तक? देखिए राम मंदिर हमारे लिए पॉलिटिकल फायदे नुकसान का प्रश्न ही नहीं था, शुरुआत से देश के करोड़ों लोगों की विश्वास का सवाल था, आस्था का सवाल था और करोड़ों लोगों की श्रद्धा का सवाल था। पर जब आपके सिर्फ आपके नहीं, जब भी बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो कैंपेन्स होते हैं तो नारे तो लगते हैं जो राम मंदिर लेके आया हम उन्हें लेके आएंगे। देखिए वो नारे जनता लगा रही है ज्यादातर, आप इन्हें देखा होगा मंच पर से नहीं लगते, नहीं जनता में से लगते हैं। तो जनता के नारे कोई पॉलिटिकल पार्टी लीडर या तो आप भी नहीं तय कर सकती, वो तो जनता ही लगाएगी, देश में डेमोक्रेसी है ना इसलिए। परंतु मुद्दा तब बना इस इलेक्शन में राम मंदिर का कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा गया, पूरे इंडिया अलायंस ने, एक घमंडिया गठबंधन ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का बहिष्कार किया। और मेरा स्पष्ट आरोप है जिसका जवाब उन लोग देते नहीं कि उन्होंने अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। उनके पार्टी के कुछ लोग आपके पार्टी में आए थे क्योंकि वो मंदिर गए थे और उन्हें निकाल दिया गया, निष्कासित किया गया या फिर उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन के नोटिस दिए गए, वो हमारी पार्टी में आए हैं। मगर मेरा एक ही मुद्दा है कि ईद के दिन आपको मुस्लिम भाइयों के साथ ईद मनाने में कोई झिझक नहीं है, आप मुस्लिम नहीं हो तो भी, मगर हिंदू होते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते हैं क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आपको आपसे नाराज हो जाएगी। किस तरह की पॉलिटिक्स है, आप अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ छेद कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। अमिशा जी, कई एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जब पहले दो राउंड या तीसरे राउंड तक नैरेटिव जो था वो मच्छी, मटन, मुस्लिम, मंगलसूत्र पे था और अब जाके महिला पर है, कि 2024 की जो इलेक्शन की जो चाबी है वो महिला वोटर के पास है। देखिए सारे नैरेटिव आप लोग बनाते हैं, आप लोग तोड़ते हैं, आप लोग गढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का और NDA का एजेंडा बहुत स्पष्ट है। 10 साल में मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम करी हैं। 10 साल में देश के चहुमुखी विकास के लिए हमने बहुत काम किए हैं। 10 साल में देश सुरक्षित हुआ है, 10 साल में देश समृद्ध हुआ है और 10 साल में ढेर सारी जिद्दी टाइप की समस्याओं से देश को निजात मिली है। और यही हमारे इलेक्शन का एजेंडा है कि भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है और वो मोदी जी के एफर्ट्स के कारण, उनकी क्षमता के कारण, उनकी संवेदनशीलता के कारण और एजेंडा को नीचे तक पहुंचाने के इनके स्वभाव के कारण हुआ है। पर ये सिर्फ नैरेटिव की बात नहीं है, जो फर्स्ट टू थ्री राउंड्स की बात है वहां पर महिला वोटर्स जो हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि महिला वोटर्स जो हैं वो
अपने पुरुष वोटर्स के संख्या में ज्यादा आए हैं, और फिर जो पहले जो करते थे, जो पुरुष फैमिली के किसी सदस्य ने कह दिया कि यहाँ वोट डालना है, उस हिसाब से नहीं कर रहे, उनका अपना मन है। नहीं तो अगर ऐसा है तो अच्छी ही बात है, देश की माताओं बहनों ने अपनी इच्छा के अनुसार वोट देना ही चाहिए। क्या आपके कोई ऐसे पॉलिसीज हैं कि लाभार्थी जो है वो महिलाएं हैं इसलिए? लाभार्थी छोड़िए ना स्मिता जी, आज तो आप मुझे बैठकर सवाल कर रही हैं, कल हो सकता है आप संसद में बैठकर सरकार को सवाल पूछे या विपक्ष को सवाल पूछे, क्योंकि 33% रिजर्वेशन इतने सालों से और किसी ने नहीं किया। नई पार्लियामेंट आई तो मोदी जी ने सबसे पहला बिल लाना कौन सा उचित समझा, तो 33% आरक्षण विधानसभाओं में और लोकसभा में लाना मोदी जी ने उचित, इतना बड़ा अधिकार मोदी जी ने इतने सालों के बाद देने का काम किया। पर हम ये इंटरव्यू बंगाल में कर रहे हैं, यहीं पे संदेश खाली का इंसिडेंट हुआ था, और यहाँ पे मुख्यमंत्री जो हैं वो महिलाएं हैं, उन्होंने कहा कि जो संदेश खाली का इंसिडेंट था वो बीजेपी का षड्यंत्र था, उनसे रचा गया ये खेल था। देखिए मैं कई बार बता चुका हूँ, ममता बनर्जी जी ने अपनी कार्यशैली डेवलप की है, पहले अत्याचार कराइए, जब अत्याचार करिए और होने दीजिए, और अत्याचार से जब लोग परेशान हो जाते हैं, उसको उजागर करते हैं, सार्वजनिक करते हैं, तो वो छिपाने के लिए फिर से अत्याचार करिए। संदेश खाली इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे धर्म के आधार पर ढेर सारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और वो चुप बैठी है, हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है दोषियों को पकड़ने के लिए, उसके बाद भी जांच ठीक से नहीं होती है तो सीबीआई को हाईकोर्ट देती है, उनको सर माननी चाहिए। विपक्ष कहता है कि जहां आप संदेश खाली का इंसिडेंट उठाते हैं, आपका ही जो अलायंस कर्नाटका में है वहां पे भी औरतों पर अत्याचार हुआ था, प्रज्वल रेवण्णा का केस बता रही हूं मैं, वहां पर आपने उन्हें बाहर जाने दिया। प्रज्वल, देखिए आप कर्नाटक से ही आती, वहां सरकार किसकी है? कांग्रेस की। उनको अरेस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस की। मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि कांग्रेस के डेप्यूटी सीएम वो कलिगा जाति से आते हैं, डीके शिव कुमार, उन्होंने वो कलिगा वोट बैंक बेल्ट का वोटिंग होने तक इनको हाथ नहीं लगाया और अपनी वो कलिगा वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको जाने दिया है। जिम्मेदारी अगर किसी की है तो उनकी है। जैसे ही घटना बाराई, मेरी पार्टी की ओर से मैंने ही स्पष्ट किया था, भले हमारे एलआई हो, कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, या तो वो सीबीआई को दे दें। बंगाल में जो इलेक्शन रिलेटेड हिंसा होती है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, एक जमाने में यूपी बिहार में रैगिंग होती थी, चुनाव आयोग प्रिवेल कर गया, रैगिंग समाप्त हो गई, धीरे धीरे चुनावी कल्चर भी बदला। एक जमाने में आतंकवादी कश्मीर के अंदर वोटिंग ही नहीं होने देते थे, दो दिन पहले वहां पर भी 35% वोटिंग हुई, एक रिकॉर्ड है, मतलब आतंकवाद जब से शुरू हुआ तब से अब तक का रिकॉर्ड है। परंतु बंगाल एक देश का एक हिस्सा ऐसा रह गया है और इसके लिए जिम्मेदार टीएमसी सरकार है, जहां चुनाव के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं देती है। गत विधानसभा चुनाव के बाद 10 दिन में 53 लोग मरे। चुनाव की बाद चुनावी हिंसा छोड़ दीजिए, पर यहां हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप पे पर्चा डाल रहे हो, जब पार्टी की एक्सपांशन की एक्सरसाइज चलती है, नीचे कोई दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं तो उनको लटका दिया जाता है, कोई टीएमसी छोड़कर यहां आएगा तो उसको फांसी चढ़ा देते हैं और कहते हैं आत्महत्या कर दी। मैंने ऐसा दृश्य कहीं नहीं देखा। एक जमाने में केरल में भी हिंसा होती थी, परंतु केरल की हिंसा मारपीट वाली होती थी, तो गरीब लोगों को आप फांसी पे लटका दोगे, जिंदा जला दोगे। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं। मैं तो आपकी चैनल से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे दृश्य ढूंढ लीजिए, फांसी चढ़ने वाले और जिंदा जलने वाला एक आदमी अपना वीडियो कर अपील करता है, मैं तो जलकर मरने वाला हूं,
आप इस शासन को बदलिए। पर इलेक्शन कमीशन ने 7 फेजेस में चुनाव किए थे, सेंट्रल फोर्सेस इतने भेजे गए हैं, फिर भी हो रहा है ये? देखिए, इस बार पहली बार चुनाव के दौरान हिंसा नहीं हो रही, मगर गत चुनाव में भी चुनाव के दरमियान कम हिंसा हुई, जीतने के बाद ममता जी ने हिंसा का तांडव खेला और कही हमारी तो शपथ ही नहीं हुई। तो वैक्यूम पीरियड जो है उसका वो उपयोग करती हैं। मैं मानता हूँ वैक्यूम पीरियड में भी इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि शपथ के बाद तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब तक वैक्यूम पीरियड है इसकी चिंता करनी चाहिए। ममता बनर्जी जो है वो हर एक रैली में कहती हैं कि सीए का फॉर्म मत साइन कीजिए, आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, और आप कहते हैं कि डरना नहीं चाहिए। सत्य देखिए, आज ही मैं आपको एडवांस में समाचार दे रहा हूँ, दिल्ली में प्रथम 300 लोगों को नागरिकता मिलने जा रही है। सीए देश का कानून है स्मिता जी, और इसको इस तरह से झुठलाया नहीं जा सकता। जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, भारत, पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं, वो सारे लोग 2014 के पहले जो शरणार्थी बनकर आए उनका अधिकार है, डॉक्यूमेंट हो न हो उनको नागरिकता मिलेगी। आपने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी को 30 से ज्यादा सीट मिलती है, 30 या उससे ज्यादा सीट मिलती है, तो ममता बनर्जी की सरकार नहीं रहेगी, ऐसे कैसे? उनकी खुद की सरकार में उनकी कार्य पद्धति और भतीजे को तवज्जो देने के कारण ढेर सारा असंतोष हम देख रहे हैं, और जनता का जनादेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। एक बार जनता का जनादेश कंप्लीटली इनके खिलाफ जाएगा बंगाल के अंदर, निश्चित रूप से उथल, हमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। 18 सीट में पोलिंग हो चुकी है इस राज्य में, कितने सीट आप कहते हैं? मैं अभी भी मेरी बात पर कायम हूं, हम 24 से 30 सीट जीतेंगे, और निश्चित रूप से बंगाल की जनता इस बार बहुमत सीट नरेंद्र मोदी जी को देने जा रही है। क्या यही कारण है कि ममता बनर्जी जो है वो इंडिया अलायंस पार्टनर्स के राज्यों में जाके प्रचार बिल्कुल नहीं कर रही, हालांकि इंडिया नाम ही शायद उन्होंने दिया था, वो एटलीस्ट वो क्लेम करती हैं, पर उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया, वो सिंगल फोकस इसी राज्य में रुकी हुई है? शायद उनका प्रचार का बाकी राज्यों में डिमांड भी नहीं होगा, और उनको लगता है कि यहाँ अपना घर बचाना बहुत जरूरी है, दोनों चीजें हैं। उड़ीसा में भी नहीं गई है, उनका संबंध जो है नवीन बाबू के साथ थोड़ा सा खट्टा मीठा रहा है इन द पास्ट। उड़ीसा आप जा रहे हैं, वहां का आप बताइए कि वहां चल क्या रहा था, क्योंकि नवीन बाबू जो है वो अपना प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पर, तो बीजेपी का क्या वहां पे क्या रणनीति है? देखिए स्मिता जी, एक बात समझ लीजिए, ये बात को नवीन बाबू ने भी स्वीकार करना चाहिए कि उड़ीसा देश के बाकी हिस्सों की कंपैरिजन में इतना विकसित नहीं हुआ जितना बाकी के स्थिर सरकारों वाले राज्यों का विकास हुआ है, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो, वहाँ इतना विकास नहीं हुआ है। पर 15 साल तो स्थिर सरकार थी वहां पे, फिर भी नहीं हुआ, इसलिए जनता बदलाव चाहती। एक दूसरा, मैं मानता हूं कि उड़ीसा के प्राइड का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि नवीन बाबू के पीछे से सरकार कोई और चला रहा है, उड़िया भाषा, उड़िया कल्चर और उड़िया साहित्य और कला, इसकी प्राइड का इश्यू बहुत बड़ा हुआ है। और जिस प्रकार से प्रशासन ने राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में सरकार का उपयोग कर लोक उत्सव में लोगों की हिस्सेदारी रोकने के लिए प्रयास किया, इससे भी लोग बहुत खफा है, नाराज है। उड़िया प्राइड की बात करें तो वो कहते हैं कि आपकी पार्टी में कोई चेहरा नहीं है जो नवीन पटनायक के मुकाबले कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बन सके। चले, जनता जब मन बनाती है तब चेहरे दिखाई नहीं पड़ते हैं, जनता ही ढूंढ देती है। हमारे पास अच्छा नेतृत्व है, कई सारे लोग हैं, सक्षम लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, 20-20 साल से राजनीति में अलग अलग जिम्मेदारी संभाले हुए लोग हैं, उनके पार्टी से भी कई सारे एक्सपीरियंस लोग हमारे यहाँ ज्वाइन कर चुके, कई साल पहले ज्वाइन कर चुके हैं, तो हमारे पास लीडरशिप क्राइसिस नहीं है।
बिहार में क्या आपको गठबंधन का नुकसान होगा या फायदा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के अगेंस्ट काफी दिख रहा है ग्राउंड पे। ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है और हमारे गठबंधन की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। हम निश्चित रूप से बिहार में हमारा गत चुनाव का जो परफॉर्मेंस था उसको रिपीट करेंगे। इंडिया अलायंस के पार्टनर्स बिहार में भी प्रचार करेंगे, यूपी में भी प्रचार करेंगे, तो मैं हिंदी बेल्ट पे आती हूँ। जो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में एक नई जान आ गई है जब से केजरीवाल आए हैं, उनका नैरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया, क्या ये आप मानते हैं? अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं, थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। पर वो जिस इशू में फंसे हैं वो राज्यसभा की मेंबर हैं स्वाति जी। मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान देगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बिचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए, काहे को ये सब में उलझाती है। पर वो है ना 20 दिन और बाहर है, उन्होंने कहा है कि अगर इश्यू अभी तो चल रहा है ना, देखिए कितना चलता है। वो कैंपेन में तो कह रहे हैं कि अगर झाड़ू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट है। इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं भेजती। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। आप उस जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतने कैमरा लगाए हुए थे, पीएमओ तक में कैमरा का एक फीड जा रहा था, वो सब देख रहे थे कि ये केजरीवाल जी टूटते हैं कि नहीं, और वो कह रहे हैं कि मैं टूटा नहीं हूं और वो बीजेपी मेरे से इतना डर के कैमरा लगाए हैं। तिहार में तिहार उनके पास है, हमारे पास नहीं है। ये कंटिन्यूसली झूठ बोलते हैं। जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के हाथ में, केजरीवाल जी के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में नहीं है। पर वो मतलब दिन में कम से कम 3 बयान आते हैं केजरीवाल जी से, और उन्होंने इंडिया अलायंस का नैरेटिव कब्जा कर लिया, क्योंकि वो कहते हैं पहले कि प्रधानमंत्री फुल टर्म नहीं रहेंगे तो मोदी की गारंटी नहीं, वो अमित शाह जी की गारंटी बन जाएगी क्योंकि कमान आप संभालेंगे। चलिए आप इतने सीरियसली ले रहे हैं, वो सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं देश में, इतना सीरियसली मत लीजिए। सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं और वो गारंटी दे रहे पूरे देश का मैं बिजली का बिल माफ कर दूंगा। अरे भैया तुम 22 ही सीट लड़ रहे, तेरी सरकार कहां से बनेगी? हम मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे। और मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं, फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, 29 तक मोदी जी ही रहेंगे और केजरीवाल आपके लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। 29 के बाद भी मोदी जी ही हमारे चुनाव अभियानों का नेता है, उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र पे पूछती हूँ, महाराष्ट्र में आपकी पार्टी पर इल्जाम है कि आपने रीजनल पार्टीज को तोड़ा है, चाहे एनसीपी हमने नहीं तोड़ा है। मुझे दो बात का जवाब दीजिए, अगर शरद पवार जी अजीत पवार को अपना वारिस बनाते तो पार्टी टूटती क्या? और उद्धव जी अपने बेटे की जगह एकनाथ शिंदे को महत्व देते तो पार्टी टूटती क्या? ये उद्धव जी के बेटे प्रेम के कारण और शरद पवार जी के बेटी प्रेम के कारण उनकी खुद की पार्टियां टूटी है। खाम खाम पर इंतजाम लगा रहे हैं, वो ऐसी व्यवस्था चाहते हैं राजाशाही जैसी कि बाप के बाद बेटा या बेटी ही उत्तराधिकारी बने। अब है तो लोकतंत्र इस देश में, तो काफी लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं, वो अलग हो रहे हैं। ये रीजनल पार्टीज के साथ होता है ना, सभी रीजनल पार्टीज में परिवारवाद तो सभी जगह से अलग खेमे बनते हैं, इसमें असाहजिक क्या है? क्योंकि शरद पवार जी कहते हैं कि अब वक्त आ गया है महाराष्ट्र में और बाकी राज्यों में भी जो रीजनल पार्टीज हैं वो कांग्रेस में दे शुड मर्ज विद द कांग्रेस। तो इसका मतलब शरद पवार जी स्वीकार कर चुके हैं कि सुप्रिया जी पार्टी नहीं चला सकती। पार्टी चलाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब उनको कांग्रेस पार्टी को स्ट्रेंथन करने का वक्त आ गया है। भाई कोई अपनी पार्टी को आप मृत्यु कर कांग्रेस पार्टी को कब
स्ट्रेंथ दी करेगा, जब अपनी पार्टी चलने की स्थिति में नहीं होती है तो इतने सालों से क्यों नहीं किया शरद पवार जी ने, बताइए मुझे। आप गारंटीज की बात कर रहे थे, आपने कांग्रेस की गारंटीज को चाइनीज गारंटीज कहा, पीओके की तो बात चल ही रही थी, आप चाइना को भी लेके आ गए कॉन्वर्सेशन में। नहीं, चाइनीज गारंटी मैंने टिकाऊ पन्ना के आधार पर कहा है, ये सच नहीं होता है। मैं बताता हूँ, मैं अभी तेलंगाना गया था, वहाँ की महिलाएं राह देख रही हैं कि हमारा 12,000 रुपया कब आएगा, वहाँ के किसान 2,00,000 के कर्ज माफी की राह देख रहे हैं, वहाँ की बच्चियाँ स्कूटी की राह देख रही हैं। जो रेवंत रेड्डी ने प्रॉमिस किया ना, राहुल जी ने किया था, उनकी गारंटी थी, अब ढूंढ रहे राहुल जी को। वो तो दक्षिण में चुनाव खत्म हो गए, राहुल जी अब उत्तर में आ गए। उत्तर में आ गए, मगर दक्षिण में था तब भी तो वो जाते थे। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये गारंटी का कोई मतलब नहीं है, ये चुनाव तक बोलते हैं फिर भूल जाते हैं। दक्षिण में आपने कहा था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आएगी बीजेपी, और विपक्ष कहता है दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर में हाफ। देखिए, मैं अपने बयान पर कायम हूं, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, ये 5 राज्य मिलकर जितनी सीटें हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर बाहर आएगा इस चुनाव में। उत्तर प्रदेश में अब प्रचार इट हैज पिक्ड अप, आप वहां पर कितनी सीट कहते हैं आपने? आप हम सीटों में बढ़ोतरी करेंगे हमारी। कितने वो अभी कह नहीं सकते, 3 चरण बाकी है, परंतु लास्ट गत चुनाव में हमें 65 सीटें मिली थी, हम इससे और आगे जाएंगे। अब रायबरेली में आपने प्रचार किया, वहां पर आपने कहा कि जो सोनिया गांधी है उन्होंने अपना एमपी लैड फंड्स जो है वो सिर्फ माइनॉरिटी किया है, अगर किया तो फिर उसमें क्या बुराई है? आपके वाक्य को ही मैं एलोबरेट कर, सिर्फ माइनॉरिटी पर आपत्ति है, बाकी के वोटर आपके नहीं है क्या? टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आप, इतना ही छोटा सा सवाल है। वहां पर जो आपका कैंडिडेट है उसका स्टेचर गांधी फैमिली के मुकाबले थोड़ा कम नहीं है क्या? आप एक किसी और कैंडिडेट को वहां पर देखिए, मैं 9 साल का था तब नारे लगाता था इमरजेंसी के खिलाफ, थोड़ा बड़ा हुआ हम आसाम के नरसंहार के लिए नारे लगाते थे, आसाम की गलियां सुननी है, इंदिरा गांधी खूनी है। स्ट्रेचर देश की जनता बनाती है, कहीं जन्म लेने से नहीं बनता है स्मिता जी, हम सब सामान्य परिवार से जन्म लिए हैं, हमने जनता ने बड़ा किया है, तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? और मेरी बात याद रखिए, आप जो कहते हैं कि जिनका स्ट्रेचर कम है वो दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के सामने चुनाव जीत कर आए। वहां पर प्रियंका गांधी जब कैंपेन कर रही है वो भी इमोशनल अपील कर रही है कि जब मैं छोटी थी तब मैं अपने पिताजी को लेके आई थी, जब उनकी मृत्यु हुई थी, उनको मारा गया था, ही वॉज इन पीसेस, उन्होंने ये कहा। उन्होंने अपनी दादी का जिक्र किया कि हमारे परिवार ने भी खून बहाया है इस देश के लिए, तो हम पे क्या इल्जाम लगाते हैं आप, हमको क्या सिखाते हैं देशभक्ति? हम नहीं सिखाते उनको, सिखाया तो उनको जाता है जो सीख सकते हैं, हम कहाँ सिखाते हैं भाई, हमारा कोई ऐसा गुरु नहीं है कि वो देशभक्त नहीं है, हम अकेले देशभक्त हैं, सबने अपने देश के लिए काम करना चाहिए। वो ये भी कहती हैं कि मुझे कहा जाता है कि मेरा परिवार यहाँ आता नहीं है रायबरेली में, यहाँ पे तो मैं आती हूँ, गृहमंत्री को कैसे पता कि मैं यहाँ आती हूँ कि नहीं आती हूँ, क्योंकि आपने कहा था सार्वजनिक है भाई, आपके ही लोग बता देते हैं, एनआई वाले ही बता देते हैं, मत बताइए आप, अगर उनको आपत्ति है तो मुझे कैसे पता चला? गांधी परिवार जो है वो अमेठी में नहीं लड़ा, रायबरेली में लड़ रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी चुनाव तो कहीं पर से लड़ सकता है, मगर राहुल गांधी जी ने वायनाड से वोटिंग के पहले कह देना चाहिए था कि मैं 2 जगह से लड़ने वाला हूं, ये हाइड करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है लोकतांत्रिक दृष्टि से, वो भी वो कर सकते हैं परंतु मुझे ठीक नहीं लगता। वायनाड की जनता को कहना चाहिए कि मैं 2 जगह से लड़ने वाला हूं, आप आपका फैसला करिएगा, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? वायनाड का चुनाव पैक होने के बाद
जब पोस्ट पोल सर्वे की जानकारी में खतरा दिखता है और फिर आप रायबरेली आते हो, तो मैं मानता हूँ वायनाड के मतदाताओं के साथ अच्छा नहीं। राहुल गांधी से आपने 5 सवाल पूछे थे, क्या उम्मीद है कि वो जवाब देंगे? अब वो बड़े लोग हैं भाई, मुझे मालूम नहीं है, मगर मैंने सार्वजनिक रूप से पूछा है, मुझे लगता है उनको जवाब देना चाहिए। आप उन्हें बड़े लोग कहते हैं, उन्होंने तो कहा कि हम डिबेट करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी समझती है कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री सब बहुत बड़े लोग हैं, वो डिबेट नहीं करेंगे गांधी परिवार के किसी भी। मैं तो आपके साथ डिबेट ही कर रहा हूं, मैंने उनको आपके साथ बैठकर ऐसे डिबेट करते हुए नहीं देखा है। उन्होंने इंटरव्यू दिए नहीं है इस बार, कोई मीडिया प्लानिंग उनका अलग देखते हैं आप? मैं नहीं इतना एनालिसिस करता, मैं मेरी पार्टी की चिंता करता हूँ। उन्होंने कई जगह कहा है कि जो इंडिया में जो पद्धति है, चाहे अग्निवीर स्कीम हो या फिर आईआईटी वगैरह, उसने क्या है, उन्होंने जाति के बारे में कहा है कि जो अपर कास्ट के आईएएस ऑफिसर्स वगैरह हैं, वो जो पेपर बनाते हैं उसकी वजह से जो ओबीसी या फिर दलित परिवार के बच्चे हैं वो नहीं वो आंसर्स दे सकते उसके। स्मिता जी, इनको कुछ जमीनी हकीकत मालूम नहीं है, चाहे स्टेट का कैडर हो चाहे ऑल इंडिया कैडर हो, सबके लिए रिजर्वेशन है, उनका कोटा है, तो बराबर उनके कोटा के हिसाब से, उनकी कोटा के अनुपात में उनका सिलेक्शन होता है। इनको मालूम पेपर सेटिंग से क्या लेन देन है? एससी बच्चा है, ऑल इंडिया सर्विस में आता है या स्टेट की सर्विस में एग्जामिनेशन देता है, तो उसका कोटा तय है, पेपर सेटिंग से इसका कोई लेन देन नहीं है। इनको साहब पित्रोड़ा साहब ने लिख कर भेज दिया है, कोई कारा गोला ऐसा कुछ था, मैंने भी सुना था कुछ, तो वो यहां बोलने लगे। हमारे संविधान ने रिजर्वेशन दिया हुआ है, उनको याद नहीं है साहब। वो कहते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो फिक्स्ड है, क्योंकि जो अपर कास्ट के लोग हैं वही हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इंडस्ट्री हो। फिक्स है तो फिक्स्ड लोग तो आते ही है, वो तो कहते कोई आता ही नहीं है। मैं आपने नक्सलवाद की बात कही, इंटरनल सिक्योरिटी का जो है, झारखंड छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद पर आपने हमला दिया था कि नक्सलवाद खत्म करके रखूंगा, वो प्रायोरिटी लिस्ट में कहाँ था आपके जब आप सरकार में आए थे? देखिए, एक जमाना था जब तिरुपति टू पशुपति ये नारा नक्सलिस्ट देते थे। आज मैं आपके इंटरव्यू में स्पष्टता से कहना चाहता हूं, साउथ टू नॉर्थ, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ नहीं, पूर्णतया नक्सलवाद से मुक्त हो चुके हैं। झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां 40 साल के बाद रेशन कार्ड बढ़ रहा है, पटवारी की ऑफिस खुल रही हैं, मतदाता सूची फिर से बन रही है, सरकारी स्कीमों का लाभ नागरिकों को और ट्राइबल्स को मिल रहा है। 40 साल के बाद बूढ़ा पहाड़ कर एक जगह है झारखंड में, आप जाकर आइए, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 51 दिन तक ऑपरेशन कर बूढ़ा पहाड़ को कंप्लीटली नक्सलियों से मुक्त कराया है। अब छत्तीसगढ़ के 3-4 जिलों में ये समस्या बची है। मैं मानता हूं कि अगले 2-3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 4.5 महीने में 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग 450 सरेंडर हुए हैं और 153 अरेस्ट हुए हैं। इतना बड़ा अभियान 5 महीने में लिया है, जो कांग्रेस की सरकार थी तब स्थगित आ गई थी, और ऑन द कॉन्ट्ररी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि फेक एनकाउंटर हो रहे। मैंने कई इंटरव्यू में कहा है, तुलसीदास जी का एक कोट है कि जिसका बुरा समय आता है भगवान सबसे पहले उसकी मति हर लेता है, कांग्रेस पार्टी के साथ शायद यही हुआ है। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में ही पूछूंगी क्योंकि आप गृह मंत्री हैं, बालाकोट स्ट्राइक और पुलवामा के ऊपर भी फिर से
चर्चा शुरू हो गई है। लोग कह रहे हैं कि पुलवामा में जैसे रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये आईबी और रॉ का फेलियर था, संजय राउत वगैरह कहते हैं कि बालाकोट स्ट्राइक में कौए मरे थे, ये सब उठा रहे हैं ऑपोजिशन में है, पूरा उठा रहे हैं। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का रिएक्शन अगर वो देखते तो ये न बोलते,